बिहार में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले की जांच शुरू। नीतीश सरकार की गठित एसआईटी पहुंची दरभंगा। अब तक 4 लोग हिरासत में लिए गए। बिहार में वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। 70 साल के जीतन सहनी का शव उनके घर से मिला। घटना दरभंगा के घनश्यामपुर थाना के जीरत गांव की है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लालू यादव से बात हुई है। सभी शुभचिंतकों से बात हुई। नीतीश कुमार से आग्रह किया जल्द से जल्द कार्रवाई हो। सीएम नीतीश कुमार ने जीतन सहनी की मौत पर गहरा दुख जताया। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। आरजेडी नेता ने कहा नीतीश सरकार का इकबाल खत्म हुआ। तेजस्वी ने कहा डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा अपराधियों को नीतीश सरकार का संरक्षण प्राप्त है। आरजेडी नेता ने राज्य में पिछले 40 दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं का पूरा का पूरा ब्यौरा एक्सपर्ट पोस्ट किया। यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद भी दरभंगा पहुंचे। डॉक्टर संजय ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर गहरा दुख जताते हुए पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से जवाब तलब किया था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को नीति आयोग का पुनर्गठन किया। बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं को मिली जगह। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ललन सिंह, एच डी कुमारस्वामी बने नीति आयोग के सदस्य। पीएम मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे जबकि सुमन के देरी उपाध्यक्ष। राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और शिवराज सिंह चौहान को पदेन सदस्य बनाया गया। लखनऊ में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोले मंत्रिमंडल की बैठक 11 बजे बैठक बुलाई है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव सहित कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा। दिल्ली में मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी डिप्टी सीएम केपी मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की। आलाकमान ने प्रदेश नेताओं को बयानबाजी से बचने की सलाह दी। दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को करेंगे संबोधित। हरियाणा में शंभू बॉर्डर खुलने के बाद दिल्ली कूच करने की तैयारी में किसान संगठन। किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किसानों की रिहाई के लिए आज और कल अंबाला एसपी ऑफिस के घेराव का ऐलान। यूपी के अयोध्या में रामलला मंदिर की सुरक्षा में तैनात होंगे एनएसजी कमांडोज। आज पहुंच रही एनएसजी की टीम मंदिर के साथ ही शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेगी। देश दुनिया में आज निकाला जाएगा मुहर्रम का जुलूस। इमाम हुसैन की शहादत को याद में मातम मनाया जाता है। लखनऊ में पंतनगर, खुर्रमनगर, अबरार नगर समेत कुकरैल नदी किनारे बने मकान अब नहीं तोड़े जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कथित अवैध मकानों के ध्वस्तीकरण के फैसले पर फिलहाल रोक लगाई। स्थानीय लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। कुकरैल नदी के किनारे रहने वाले लोगों का डर खत्म हो गया। सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे। नहीं हटेगा बिल्कुल। बस थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश। यूपी में योगी सरकार ने टीचर्स की ऑनलाइन हाजिरी का फरमान भी वापस लिया। 2 महीने के लिए स्थगित हुआ आदेश। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के 2 फैसले वापस लेने पर चुटकी ली। कहा उपचुनाव में हार की डर से ही योगी सरकार ने यू टर्न लिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी को राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ बयानबाजी को लेकर हिदायत दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे आंध्र सीएम आज भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पहुंचे अमित शाह ने कहा हरियाणा में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। मैं बैसाखी वाली सरकार के लिए नहीं आया। महेंद्रगढ़ से अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण मारकर मुस्लिमों को देने की तैयारी कर रही कांग्रेस हरियाणा में भी यही करना चाहती है। हरियाणा में कांग्रेस का हरियाणा हिसाब मांगे अभियान जारी है। करनाल सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज पूर्व राई और पानीपत ग्रामीण में रहेंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी आयोजित की गई। बजट तैयारी की लॉक इन प्रक्रिया शुरू होने से पहले हर साल एक पारंपरिक हलवा समारोह आयोजित किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने विवादों में फंसी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर को कार्यमुक्त किया। महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी की ट्रेनिंग को रद्द कर दिया गया। पूजा खेडकर को वापस उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी बुलाया गया है। उन्हें 23 जुलाई तक रिपोर्ट करने के लिए कहा है। जांच पूरी होने तक अकेडमी में ही रहेंगे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आज दो और लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम पंकज कुमार और राजू सिंह हैं। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस के आरोपी मिहिर शाह की 14 दिन बढ़ी न्यायिक हिरासत। 7 जुलाई को मिहिर की तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार से टकराकर एक महिला की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद 4 जवानों का पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा उनके पैतृक आवास। मंगलवार को जम्मू में शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डोडा में शहीद कैप्टन बीके थापा दार्जिलिंग के रहने वाले थे, जबकि जवान अजय कुमार वीरेंद्र कुमार राजस्थान के झुंझुनू के। आतंकियों के सफाई के लिए जारी है ऑपरेशन कोठी 2। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के देसा जंगल में सोमवार को हुए एनकाउंटर में कैप्टन सहित 4 जवान शहीद हुए थे। इलाके की घेराबंदी कर जारी है सर्च ऑपरेशन। जम्मू संभाग में एक के बाद एक आतंकी हमले के बाद सेना को मिला फ्री हैंड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख को आतंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी है। मध्य प्रदेश के धार में आसमानी बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत। घटना में गंभीर रूप से जख्मी एक बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया। राजधानी दिल्ली में उमस भरी गर्मी से आज राहत की उम्मीद। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में रिमझिम बारिश की संभावना जताई। हिमाचल प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। कई गांवों में पानी घुसा। बिहार के अररिया में बाढ़ की वजह से ढहा पुल। फारबिसगंज के अमहारा इलाके में बाढ़ की वजह से पुल ध्वस्त। असम में भी लगातार बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी पूरे उफान पर। नदी में जलस्तर बढ़ने से मोरीगांव इलाके में बाढ़ की स्थिति। यूपी में बाढ़ और बारिश से कई जिलों में हालात बिगड़े। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पर समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक। यूपी के पूर्वांचल से लेकर अवध तक कई जिलों में बाढ़ का पानी घुसने से लोग पलायन करने पर मजबूर। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का काम जारी। हिमाचल उत्तराखंड यूपी और बिहार के कई जिलों में नदियां डेंजर लेवल के पार। मुंबई रायगढ़ रत्नागिरि सिंधुदुर्ग पुणे और सतारा में बारिश का रेड अलर्ट। नेपाल के नए पीएम केपी शर्मा ओली ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ काम करने को लेकर प्रतिबद्ध हूं। पाकिस्तान में पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को इमरान खान ने बताया हताशा का परिणाम। शहबाज शरीफ सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में इमरान। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को लाहौर हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया। 9 मई को हुई हिंसा में एक पुलिस थाने को जलाने के मामले में कुरैशी दोषी है।